पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में सुनकर कोर्ट में ही रोने लगा दरिंदा संजय। कोर्ट में उगल डाला सारा सच। कोलकाता कांड के मामले में रोजाना कई अपडेट्स लगातार हो रहे हैं। मामला अब पॉलीग्राफ टेस्ट तक पहुंच चुका है, लेकिन सियालदह कोर्ट में पॉलीग्राफ टेस्ट की चर्चा करते ही भरे कोर्ट में जो कुछ भी हुआ सबको चौंका गया। संदीप घोष, चार ट्रेनी डॉक्टर और आरोपी संजय समेत कुल 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, लेकिन जब कोर्ट में पॉलीग्राफ टेस्ट की बात उठी तब आरोपी संजय रॉय की तो मानो हालत ही पतली होने लगी। वो भरे कोर्ट में ही फूट फूट कर रोने लगा। गौरतलब है कि पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए आरोपियों की भी रजामंदी जरूरी होती है। ऐसे में जब संजय रॉय से पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए कोर्ट की तरफ से मंजूरी मांगी गई तो वो सियालदह कोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने ही रोने लगा। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठा कि क्या पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए इस केस की सच्चाई बाहर आने से वो डर गया और रोने लगा, या फिर उसके रोने के पीछे माजरा कुछ और ही है। दरअसल संजय रॉय ने पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर जो कुछ भी कहा वो बेहद चौंकाने वाला रहा, साथ ही उसके रोने के पीछे की वजह भी सामने आ गई। कोर्ट मजिस्ट्रेट ने जब संजय रॉय से इसके बारे में पूछा तो वो बोला कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, मुझे पूरी तरह से फंसाया जा रहा है, पॉलीग्राफ टेस्ट करने से सारा सच बाहर आ जाएगा। दरअसल संजय खुद चाहता था कि उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हो। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या संजय रॉय ने इस वारदात को अंजाम नहीं दिया? अगर जवाब हाँ में है तो इससे बड़ा सवाल इस केस में ये उठ रहा है कि संजय रॉय ने नहीं तो फिर महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी किसने की और उसकी जान किसने ली? अगर संजय रॉय इस मामले का दोषी नहीं पाया जाता है तब इस केस की दिशा और दशा पूरी तरह से बदलती नजर आएगी। गौरतलब है कि संजय रॉय को शुक्रवार की दोपहर को सियालदह कोर्ट में पेश किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज कोर्ट के आदेश और सबकी मंजूरी के बाद आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। साथ ही आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, 4 डॉक्टर और एक वॉलेंटियर का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। हालांकि अभी सभी के पॉलीग्राफ टेस्ट के रिजल्ट विभागीय रूप में ही रखा गया है, जिसकी वजह से फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता इस टेस्ट में किसने क्या बोला, किसने किन आरोपों को स्वीकार किया और इनकार किया। बहरहाल इस केस का सारा सच सामने आने में फिलहाल थोड़े वक्त का इंतजार करना होगा, जिसके बाद इस केस से पूरा पर्दा हटेगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।